Hi Randeep, welcome to the show. Thank you very much. रणदीप, एक्टिंग का कीड़ा तो आपको बचपन में ही लग गया था क्योंकि आपने स्कूल टाइम से ही थिएटर से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। जी। जानना चाहेंगे कि इस एक्टिंग के कीड़े ने बड़े होते होते किस तरह से प्रोफेशनल रूप ले लिया। मेरा ये मानना है कि अगर आप वो काम करें जिसमें आपकी रुचि है, आपका दिल है, तो पहली बात तो आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट। तो मैं बहुत अपने आप को बहुत ही लकी मानता हूँ कि मुझे मैं वो करता हूँ जो मेरा जी चाहता है और लोग मुझे उसके लिए पैसे भी देते हैं। ओके। तो एक्टिंग ही नहीं, आपकी जिस चीज में भी रुचि है आपको वो फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप फिर आप काम नहीं करेंगे, आप अपनी हॉबी करेंगे और उस हॉबी के लिए, और जब आपकी उसमें रुचि होगी तभी आप उसमें एक्सेल कर पाएंगे। जी। रणदीप, आपकी फैमिली में काफी सारे लोग डॉक्टर हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके पास भी एक फेयर चांस था डॉक्टर बनने का? देखिए, डॉक्टर इंजीनियर एक समय था जब हिंदुस्तान में डॉक्टर इंजीनियर के अलावा स्पेशली हमारी तरफ या मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लोगों को एक वही दो प्रोफेशन लगते थे जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। पर आज दुनिया बदल चुकी है, हर तरह के प्रोफेशंस हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं और उससे आपको बहुत उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। तो क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं तो मेरे ख्याल से डॉक्टर इंजीनियर भी अगर आप बनना चाहें तो जरूर बनिए, पर वही सिर्फ एक रास्ता नहीं है, और भी बहुत रास्ते हैं, जैसे कि आप आरजे बन सकते हैं, डीजे बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, स्टोर ओनर बन सकते हैं, या और किसी एंटरटेनमेंट में आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो आज वो हिंदुस्तान नहीं है जो 15 साल पहले था। जी रणदीप, आपने हमें इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम।